सत श्री अकाल जी, हमदर्द टीवी देखने वाले दर्शकों स्वागत है। इस वेले की वड्डी खबर है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले के विच इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वलों एक वड्डा एक्शन लिया गया है। आप सुप्रीमो अते दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नू गिरफ्तार किया गया। बीती रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो दस दें कि अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम दसवां समन लैके पहुंची सी। दो घंटे के पुछगिछ से तलाशी तो बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो अज सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की सुनवाई होनी है। तो दसांगे कि आखिरकार दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला है की है, किड़े किड़े वड्डे आगुआं की इस मामले के हुण तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले के ईडी भाव इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वड्डे एक्शन मोड के है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो दस दें कि बीते कल भाव कि वीरवार को ईडी की टीम दसवां समन लैके अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची सी। गिरफ्तारी तो पहले ईडी की टीम ने सीएम केजरीवाल तो पूछगिछ की। आम आदमी पार्टी के आगुआ ने उन्होंने गिरफ्तारी का खदशा भी जाहर किया। इस तो पहला हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने तो इनकार करदिया अपना फैसला सुनाया सी। पिछले हफ्ते ही ईडी ने तेलंगाना के सबका मुख्यमंत्री केसीआर की धी के कविता नू भी गिरफ्तार कर लिया सी। दिल्ली के सबका उप मुख्यमंत्री अरमनीश सोदिया और राज्यसभा मैंबर संजय सिंह पहले ही इस मामले के जेल के बंद ने। काबिले जिक्र है कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के हुए कथित घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने हुण तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 समन जारी किए सन, पर एक भी समन के उपर अरविंद केजरीवाल के वलों कोई भी जवाब नहीं दिता गया। ना ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हुए, जिस तों बाद वीरवार को ईडी की टीम दसवां समन लैके अरविंद केजरीवाल के घर पहुँच जाती है। इन्हें समन जारी करन तो बाद भी केजरीवाल ईडी सामने पेश नहीं हुए, जिस तों बाद बीती रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जिस समय ईडी के वलों इस कार्रवाई को अंजाम दिता जा रहा है, तो वड्डी गिनती के आम आदमी पार्टी के वर्कर और समर्थक केजरीवाल के घर के बाहर जुटने शुरू हो गए और जम के नारेबाजी करनी शुरू कर दी गई, जिस तों बाद माहौल काफ़ी तनावपूर्ण बन जाता है और पुलिस समेत जो सुरक्षा दस्ते ने वो भी तैनात किए जाते हैं। जिस तों बाद नारेबाजी करते हुए इन्हों आप वर्कर आगुआ हिरासत के भी ले जाने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा के भी मद्देनज़र पुख्ता इंतजाम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किए गए सन। यह भी वड्डी अपडेट है कि पुलिस के वलों धारा 144 तक अरविंद केजरीवाल के घर के नेड़े इलाके दे विच लगा दी गई थी, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनसुखावी घटना ना वापर सके। हुण तुहानूं दस्सदे हां कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला मामला आखिरकार है की है। 17 नवंबर 2021 नूं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 नूं लागू किया है। नवी नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार तो बाहर आ गई और सारिया दुकाना निजी हत्थां दे विच चले गई। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि नवी शराब नीति माफिया राज नूं खत्म करेगी और सरकार के मालिए विच भी इजाफा होगा। हालांकि यह नीति शुरू तो ही विवादा दे विच रही सी और जदों विवाद वध्या तां सरकार ने 28 जुलाई 2022 नूं इस नूं रद्द कर दिता है। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 नूं दिल्ली के तत्काली मुख्य सकत्तर सुरेश कुमार की रिपोर्ट राही किया गया। इस रिपोर्ट के विच उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई वड्डे आगुआं नूं इल्जामां दे घेरे दे विच लिया। दिल्ली के एल जी वीके सक्सेना ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस तों बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 नूं केस दर्ज किया है। पैसे की दुरवरतों के दोष सन, इसलिए ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए केस दर्ज किया। मुख्य सकत्तर ने अपनी रिपोर्ट के विच मनीष सिसोदिया ते शराब नीति नूं गलत तरीके नाल तैयार करने के इल्जाम लगाए सी। मनीष सिसोदिया के कोल आबकारी विभाग की जिम्मेवारी सी अते दोष लगाया गया है कि नवी नीति के राही लाइसेंस शुदा शराब कारोबारियों नूं नजायज लाभ पहुँचाया जा रहा है। रिपोर्ट के विच यह भी खुलासा किया गया है कि कोविड के बहाने 144.36 करोड़ रुपए दियां लाइसेंस फीसा मनमाने ढंग के नाल
माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस धारकों को 30 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए गए, जबकि यह राशि जब्त की जानी सी। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द टीवी।